क्रीम 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 रेम 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 हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 रेम 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 हुम हुम स्वाहा माँ दक्षिण कालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु इस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं सिद्ध साधक परिवार में निर्मित सिद्ध कंकण के विषय में, जिसका निर्माण अत्यंत चमत्कारिक तरीकों से संपन्न किया गया है और न जाने कितने बार इसको आजमाने के पश्चात तब जाकर आज के इस कड़ी में हम इसके ऊपर आलोकपात करेंगे। और यह अंगूठी के आकार का कंकण महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे सन्यासी अपने उंगलियों में धारण किए रहते हैं। इसके माध्यम से उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती रहती है। एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जीवन में कठिन या असंभव नाम की कोई चीज होता ही नहीं। प्राचीन समय से ही सन्यासियों को सिद्ध कंकण पहनने की सलाह दी गई है, जिससे कि वे अपने जीवन में निश्चित और निर्भीक हो सके, वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और सफलता को प्राप्त कर सकें। अब इसके निर्माण विधि को भी आप जान ले। इसके निर्माण में रांगा, शीशा, जस्ता, चुंबक पत्थर अथवा सिद्ध धातु में से किसी एक धातु को कूट पीस कर कपड़े से छान कर उसकी पिष्टी बना लेनी चाहिए। तत्पश्चात उसे गुलर के दूध में घोट कर खूब कूटना चाहिए। कूटते कूटते जब इसमें से तार निकलने लगे तब उसे अग्नि में जारण कर उसे चिकना और कठोर बना देने चाहिए। अब जब उस गर्म तार हो जाए तो उसकी मुद्रिका बनाकर लाल सुर्ख जब हो तब उसे जागृत पारे में डुबोकर सिद्ध बना लेनी चाहिए, और इसी को ग्रंथ में ही सिद्ध कंकण कहा गया है। यह अपने आप में अद्वितीय और दुर्लभ होते हैं और प्रत्येक सन्यासी के लिए, गृहस्थ के लिए, साधक के लिए तो एक प्रकार से अनिवार्य है ही, प्रत्येक साधक के लिए ये निश्चित है। अब बात करते हैं इसके धारण विधि के विषय में। किसी भी शुभ दिन में इस कंकण को अपनी उंगली में धारण करें, ओम सम संभवाय नमः मंत्र का 10 मिनट तक जाप कर लें, जिसे कि साधना के क्षेत्र में आपको निरंतर सफलता प्राप्त हो सके, और ऐसा कंकण निरंतर शरीर को स्पर्श किए रहने चाहिए, जिससे कि शरीर में बराबर विद्युत प्रवाह बना रहे, जिससे शरीर रोग रहित, सुंदर, आकर्षक एवं अद्वितीय बन जाता है। और यदि श्रद्धा पूर्वक उसे धारण किए रहें तो आपके जीवन के प्रत्येक कार्य सफल होते रहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो साधना और सिद्धि के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ कंकण है। तंत्र ग्रंथों में यहाँ तक बताया गया है कि गृहस्थ को यदि अपने प्राण प्रिय हैं, अपना शरीर प्रिय है, तो उसे यह कंकण भी उतना ही प्रिय होना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा वह प्रत्येक कार्य में सिद्धि और सफलता प्राप्त करने में समर्थ एवं सफल होगा। इसमें निश्चित है, कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको
यह दिव्य सिद्ध कंकण को प्राप्त करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, साथ में नारायणाक्षी के माध्यम से उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 रेम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके, क्रीम 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 रेम 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 हुम 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 स्वाहा, माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।